हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षा समावेश शिक्षा का प्रत्यय। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके कौन से प्रिंसिपल हैं और क्या इसके एम्स हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर और DELED यानी कि BTC थर्ड सेम के लिए और इससे रिलेटेड CTET, UPTET में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके इससे टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड चार या पांच मार्क्स का आता है। तो आप यदि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे आज इंक्लूसिव एजुकेशन की कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम अपनी क्लास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे हमें मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे हमारे क्लास में व्हील चेयर पर आते हैं, कुछ बच्चे बैसाखी लगाकर आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है स्पेक्स लगाकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी बैरियर है बच्चे में, जिस बैरियर को दूर करके या जिस बैरियर के साथ हमें एक ही क्लास में हर बच्चे को एक साथ पढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशन पाने का अधिकार सभी बच्चों को है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि एजुकेशन लेना सभी का राइट है और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सभी को वो एजुकेशन को प्रोवाइड कराए। चलिए देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी इंक्लूसिव एजुकेशन, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर कीजिए जिससे कि आपके साथी भी इसको इस बेनिफिट को ले पाएंगे। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सभी को सम्मिलित करना, यानी कि सभी का इंक्लूजन करके बिना किसी भेदभाव के बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको एजुकेशन देना है। जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास में हमें डिसेबल्ड बच्चे मिल जाएंगे और ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके अंदर की लर्निंग डिफिकल्टीज होंगी, तो ऐसे बच्चों को हमें एक साथ नॉर्मल क्लास में पढ़ाना है। तो ये जो है एक साथ पढ़ाना यानी कि बिना किसी भेदभाव के, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सभी को एजुकेशन देने का, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें सभी को एक साथ पढ़ाना है और जिससे कि सभी बच्चे एडमिशन का लाभ ले सकें। और इस तरह की शिक्षा को हम जब हम हर बच्चे का इंक्लूजन कर देते हैं तो ऐसी जो एजुकेशन होती है वो इफेक्टिव होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से मतलब जो मंदबुद्धि बालक हैं, शारीरिक रूप से जो दृष्टिबाधित बालक हैं, अस्थिबाधित बालक हैं या फिर जिनको श्रवण बाधित हैं, कुछ कम सुनाई देता है, ऐसे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें एक साथ ही शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना है, क्योंकि इस शिक्षा में समाज के सभी वर्ग आने वाले और विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थियों को इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है। सभी को इंक्लूड किया जाता है, सभी का इंक्लूजन होता है, इसीलिए इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ऐसी एजुकेशन जहाँ पर हर तरह के बच्चे को, चाहे वो बाधित बच्चा है, किसी भी तरह से बाधित है, चाहे वो शारीरिक रूप से बाधित है या मानसिक रूप से बाधित है, उन बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या दी है। स्टीफन और ब्लैकहर्ड ने डेफिनेशन दी है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालक बालिकाओं को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि शिक्षा को हमें हर बच्चे को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, मुख्य धारा में लेके आना है, चाहे वो बाधित बच्चा है, किसी भी तरह से बाधित बच्चा है या डिप्राइव्ड चाइल्ड है, वंचित बच्चा है, तो उस बच्चे को हमें सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास में एजुकेशन की व्यवस्था करना है, जिससे कि वो बच्चे जो हैं, जो बाधित बच्चे हैं, वो सामान्य जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरह ही आगे बढ़ सके और उनके अंदर कोई भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। उस इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत कम करना है, यानी कि दूर करना है।
बैक सब की डेफिनेशन है एच के दुबे की। इन्होंने कहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। वीके शर्मा ने कहा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर इन्होंने सभी ने कहा है कि हर तरह के बच्चे को, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हैं, शारीरिक रूप से बाधित हैं, मानसिक रूप से बाधित हैं, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान कराना। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता समावेश शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत, हर वर्ग के बच्चों के लिए है। मतलब यहाँ पर यह है कि एजुकेशन फॉर ऑल, जो हमारी ये शिक्षा है ये सुनिश्चित करती है कि एजुकेशन जो है सभी के लिए है, कुछ केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, कुछ बच्चों के लिए नहीं है, हर बच्चे के लिए, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा है, कमजोर बच्चा है, या औसत वर्ग से है, ये वंचित बच्चा है, या फिर किसी भी तरह से बाधित बच्चा है, सभी के लिए एजुकेशन। नेक्स्ट है समावेश शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है। मतलब जो उनकी एजुकेशन है उनके बच्चों के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हैं, यानी कि एजुकेशन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, जो उनकी डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर एजुकेशन को देना, उनके मेंटल लेवल का ध्यान रखना। और जब भी हमें कोई कंटेंट डिलीवर करना है, हमें अपने बच्चों के, माई क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चों का टीचर को मेंटल सेट पता होना चाहिए, उसका क्या मेंटल सेट है, क्या मेंटल लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने कंटेंट को डिलीवर करना है। नेक्स्ट, इनमें जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं। जब हमारी क्लास में हर तरह का बच्चा है तो हमें केवल ये सोचना नहीं है कि हमें केवल अपनी क्लास में एवरेज बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, हमें हर तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। तो हमें जो टीचिंग मेथड है उन टीचिंग मेथड में भी कुछ अलग से लाना होगा, कुछ ऐसे टीचिंग टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर सकते हैं, बच्चों को कुछ लर्निंग बाय डूइंग करा सकते हैं, कुछ स्टोरी सुना सकते हैं, कोई गेम उनको कराया जा सकता है, गेम के थ्रू समझा सकते हैं कोई कंटेंट हमें डिलीवर करना है तो, और कुछ हम क्या कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, कुछ शॉर्ट मूवी दिखा सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर जब इस तरह के बच्चे हैं हमारे पास, डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे हैं, तो डिफरेंट नीड्स वाले बच्चों के लिए हमें टीचिंग मेथड्स भी जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट अपनी क्लास में यूज करने होते हैं। नेक्स्ट है, जो छात्र सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते, यानी कि जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। कुछ बच्चे जब चल नहीं पाते हैं, या अस्थि बाधित बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो व्हीलचेयर से आ रहे हैं, या फिर वैसाखी से आ रहे हैं, या फिर कुछ स्पेक्स लगा रहे हैं, मान लीजिए स्पेक्स लगाते हैं तो टीचर को ऐसा अरेंजमेंट करना है क्लास में आगे बैठाया जाए। और जो इस दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए स्कूल मैनेजमेंट और जो टीचिंग स्टाफ है उन्हें अलग से इसके लिए कुछ स्पेशल भी इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि उन बच्चों की जो नीड है वो नीड फुलफिल हो और वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपनी उस क्लास में पढ़ पाए। छात्रों में आत्मविश्वास, अब जब जो टीचर है अपनी क्लास में हर तरह के बच्चे के मेंटल लेवल को ध्यान में रख के पढ़ाएगा, उनके अंदर जो है इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर देगा, तो ऐसे बच्चों के अंदर अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यानी कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय भी होगा और उन्हें खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं आएंगे, वो अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे, अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह ही मानेंगे और उनकी उन्हीं की तरह एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं सिद्धांत क्या है इसके। तो जो सिद्धांत है, बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति है, हालांकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अपनी अलग अलग जो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, लेकिन जो सीखने की एक प्रवृत्ति होती है वो हर बच्चे में होती है। टीचर को उस प्रवृत्ति को डेवलप करना होता है, जैसे कहा जाता है ज्ञान मनुष्य के अंदर है, केवल उसको बाहर निकालना है। तो जो टीचर है या स्कूल मैनेजमेंट है उसे ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जिससे कि बच्चे में जो लर्निंग है वो लर्निंग प्रॉपर वे में जाए। बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, जैसे अभी पहले बताया कि हर बच्चे को एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन लेने का राइट है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये प्रिंसिपल है कि वो हर बच्चे को, चाहे वो वीक बच्चा है या गिफ्टेड बच्चा है, जिसका आईक्यू लेवल हाई है, अमीर है, गरीब है,
ऊंचा नीचा ये सब नहीं देखती है, वो सभी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करती है और एक ही क्लास में सब बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे कि उनको एक साथ एजुकेशन लेने से उनमें ब्रदरहुड की भावना डेवलप होती है। यहाँ पर जो है टीचर का रोल बहुत ज्यादा है, उसे ये देखना है कि उसे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बच्चों में नहीं रखना है, और पेरेंट्स का भी रोल है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि यदि उनके बच्चों में किसी तरह कोई कमी है तो उस कमी को वो एक चैलेंज के रूप में लें, उसे वो जो कमी है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, सभी राज्यों का दायित्व है कि सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन सामग्री और सभी संसाधन उठाकर स्कूल के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाएं। तो अब जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने का राइट है, सभी को एजुकेशन देनी है, तो ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट स्टेट जो स्टेट्स हैं उनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल्स को सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं, जिससे कि जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सके। अब जो टीचिंग में सभी वर्ग, चाहे वो टीचर हैं, हमारी सोसाइटी है, फैमिली है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन में अपनी पूरी पूरी हेल्प करें। इसके बाद है आपके एम्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है समावेशन प्रदान कराने के। तो सबसे पहला है कि बालकों के विकास के लिए, जो यदि हम अपने स्टूडेंट्स का, छात्रों का, बच्चों का डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हर तरह के बच्चे को ध्यान में रखा जा सके, और उसको ध्यान में रखकर, उसके मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर, उसकी डिसेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखकर, या फिर जो उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा दी जाए और उन्हें ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि वो एजुकेशन को ले सके। अब नेक्स्ट है, एम क्या है कि हर बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, और उसके साथ साथ समाज के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, जिससे कि वो उन्हें सिखाया जाए कि वो कोई ऐसे वो नॉर्मल बच्चे से अलग नहीं है, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, उन्हें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं लेके आना है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है अपने अंदर। नेक्स्ट है समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास, जो सोसाइटी का जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं उनके लिए संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए, और सोसाइटी को ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना चाहिए कि वो इतना भी संवेदनशील ना हो जिसकी उनका आत्मविश्वास उनके अंदर डेवलप ना हो। तो उनके अंदर आत्मविश्वास डेवलप होना चाहिए, और यदि हम उन बच्चों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कराएंगे कि जिससे वो सीखें, तो उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति अपने आप ही डेवलप होगी और उनके नव जीवन का संचार होगा। और ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपनी लिवलीहुड के लिए इन फ्यूचर में जाकर कुछ ना कुछ काम कर सके। तो इस तरह से ये इसके उद्देश्य होंगे। तो आज हमने जाना कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रिंसिपल हैं और क्या इसके एम्स होते हैं। इसके साथ वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।